सोने के गहनों का शौक रखना गलत नहीं है, लेकिन क्या हो जब वो शौक शौक कम और दिखावा ज्यादा लगे। बहू, तुझे देख देख कर ना मुझे गर्मी लगती रहती है। क्यों पहनती है इतने सारे गहने? क्यों पहनती है का क्या मतलब होता है? सोने के गहने औरत का असली श्रृंगार होता है। अरे होता है माना, लेकिन ये क्या बप्पी लहरी बनी रहती है, और सोना घर में कौन रखता है? देखिए माँ जी, अगर कल को मैं मर गई तो पता नहीं मेरी इतने सारे गहने कौन पहनेगा। इससे तो अच्छा है ना कि मैं ही पहन लूं। अरे जा जाकर खाना बना, मुझे बहस नहीं करनी। बहू किचन में चली जाती है। बेटा माँ के पास आता है। माँ देख रही है क्या चल रहा है शहर में? क्या चल रहा है बेटा, मैं तो पेपर भी नहीं पढ़ रही आजकल। अरे माँ, इतनी छीना झपटी हो रही है औरतों के साथ। कल हमारे ही मोहल्ले की एक औरत की चेन खींच ली सोने की। तभी बहू किचन से निकल कर आती है। हमारे मोहल्ले में कौन सोना पहनता है, किसी का लेवल ही नहीं है मेरे जैसा। अरे वो कमला चाची की बहू, उसी के साथ हो गई थी चिनाई। ओए होए, उसके तो बात ही ना करें आप। नाटी सी है वही ना, चटक रंग के कपड़े पहनकर घुमा करती है। अब इतना गौर नहीं करता मैं औरतों को, लेकिन हाँ नाटी तो है। आप भी ना, वो नकली गहने पहनती है। मैंने देखा था उसे सोने की चेन खरीदते 20 रुपए में। वही पहनी होगी। हाँ नकली तो थी, लुटेरों को जब पता चला तो वो वापस आकर थप्पड़ मार कर गए, और नसीहत भी दी कि नकली गहने पहनकर बाहर मत निकला करो। सास और बेटा हंसने लगते हैं। नकली सोना पहनने वाले लोगों के साथ यही होना चाहिए, ठीक ही तो हुआ। अब तू सोच ले, तू जो इतना पहनकर घूमती रहती है, अरे जरा ध्यान रख, वैसे भी सोना बहुत महंगा हो रहा है। हम सस्ते का शौक भी तो नहीं रखते माँ जी, शौक नवा भी है हमारे। हाँ नेहा, मैं कहने ही वाला था कि सोना थोड़ा कम पहना करो, वैसे भी यार आज के जमाने में ये बहुत ही नकली सा लगता है। लेकिन नेहा, जिसे दिखावे का शौक था वो कहाँ किसी की बात मानती। एक दिन ननद कहती है, भाभी जरा मेरे साथ मॉल तक चलोगी, कुछ काम है। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। भाभी प्लीज जीन्स पहन लेना, साड़ी में ना बहुत बड़ी बड़ी सी लगती हो। क्यों नहीं, बिल्कुल। बहू तैयार होने चली जाती है। अरे क्यों री, भाभी को जींस पहनाने की क्या सूझी? अरे माँ वो क्या है ना, जींस में कम से कम ज्वेलरी शॉप बनकर तो आएंगी नहीं। अरे मुझे नहीं अच्छा लगता भाभी इतने सारे गहने पहनकर चलती है। तभी बहू आ जाती है। पहनी तो होती है वेस्टर्न वेयर, लेकिन ऊपर से डाला होता है ये बड़े बड़े हार, झुमके, कंगन। भाभी ये क्या है, अरे इन कपड़ों में ये गहने कौन पहनता है? नहीं नहीं भाभी प्लीज, मैं नहीं जा सकती ऐसी हालत में। अरे ये क्या बात होती है, सोने के गहने तो औरत का असली श्रृंगार होते हैं। अरे जा जाकर बदल कर आ जा, वैसे भी अब वो कहीं नहीं जा रही। नेहा बड़बड़ करती वहां से चली जाती है। एक दिन सास को किचन से बहू के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया? वो किचन में जाती है और देखती है कि बहू के सोने के कंगन उसी की चेन में फंस गए थे। हे भगवान, ये बड़े बड़े कंगन, सोने का हैवी हार, अरे कौन पहन कर किचन में बर्तन धोता है? अरे माँ जी छुड़वाइए ना मुझे, मैं फंस चुकी हूँ। अरे मन तो नहीं कर रहा, फंसी रहा कुछ देर। बहू रोने लगती है। तब सास जाकर बहू को ठीक करती है। अब चैन आया। सास वहां से चली जाती है, लेकिन शाम को वो बहू को आवाज देती है। बहू मैं संध्या आरती के लिए मंदिर जा रही हूँ, कुछ लाना तो नहीं है ना? लाना तो है, 2 कान की झुमकी और 2 चेन, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए मैं भी चलती हूँ। हाँ चल, लेकिन देखिए सासू माँ, बार बार बता रही हूँ कि मैं ये गहने नहीं उतारूंगी। अब सास क्या करती, लेकर जाना पड़ता है बहू को पूरी झांकी के साथ। सास मंदिर पहुंचकर थोड़ी ही देर में कहती है, अच्छा
मैं चलती हूँ। अरे बहन जी, इतने जल्दी जल्दी क्यों, क्या हो गया? आज तो कोई भजन भी नहीं सुनाया। अरे नहीं नहीं, वो बहू को देख रही हो ना, क्या करूं, इतने गहने पहने हैं, अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाओ तो अच्छा रहेगा। वैसे बहू को समझाती क्यों नहीं? अरे समझा समझा कर देख लिया, अब तो हम खुद ही बैठ गए समझकर। दोनों सास बहू वहां से निकल रही थी कि रास्ते में कुछ गुंडों की नजर बहू के गहनों पर पड़ती है। अरे ये देख, ये क्या है भाई, भगवान ने तो खुद साक्षात लक्ष्मी माँ भेज दी है। अरे मेरे पार की नजर कहती है कि सारे गहने असली है। अरे यार, 1-2 करोड़ के तो होंगे ही, लग रहा है कि खुदाई से निकाले गए गहने। दोनों गुंडे सास बहू को एक वीरान जगह देखकर रोक लेते हैं। कौन हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या जो हम लोगों का रास्ता रोक रहे हो? अरे बहन, हम लोगों को ये गहने दे दो और आराम से चली जाओ, नहीं तो क्या मैं बुलाऊं पुलिस को? हाँ, बुला लेना चाची, लेकिन पहले गहने तो दे दो, फिर पुलिस को क्या कमिश्नर को बुला लेना। अरे मैं तो कहता हूँ इतने गहनों की लूट में तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये गहने किसी को नहीं दूंगी। अरे दे दे बहू जो मांग रहे हैं, जान सलामत रही तो और आ जाएंगे। दोनों सास बहू को डरा धमका कर गहने लेकर भाग जाते हैं। बहू को तो मानो शौक ही लग जाता है। अरे क्या हो गया, पुलिस कंप्लेंट कर दी है, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? इससे अच्छा तो वो मेरी जान ही ले लेते, पूरे 1 करोड़ के गहने ले गए। हैं? कैसी बात कर रही हो बहू, जान इतनी छोटी चीज है क्या? अरे कितनी बार मना किया था, शो ऑफ मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम कहां मानने वाली थी। सभी रात को सो जाते हैं कि अचानक चोरों में से एक चोर घर के अंदर आ जाता है। तुम मेरे गहने वापस करने आए हो? नहीं, तुमको जान से मानना है, तुमको जिंदा छोड़कर सही नहीं किया। तुम पुलिस के पास गई और पुलिस अब हम लोगों के पीछे है। नहीं मारो मत प्लीज, मैं पुलिस से केस वापस ले लूंगी। तभी सास आ जाती है और गुंडे को पीछे से जोर का डंडा मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। गुंडे को जब होश आता है तो सामने पुलिस होती है। चल आप जेल में, वहीं खातिरदारी होगी तेरी। नहीं नहीं, मैं सारे गहने वापस कर देता हूँ, मुझे मारना नहीं बस। वो बहू को सारे गहने दे देता है। माँ जी, ये गहने आप बैंक में रख दीजिए, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि जान है तो जहान है।